क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम एक मग से दूसरे मग में पानी डालेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। लेकिन क्या होगा अगर हम ये काम एक ड्रॉपर से करें? तो ये है एक ड्रॉपर जिससे हम पानी की एक एक बूंद निकाल सकते हैं। और आज मैं देखने वाला हूँ कि एक मग से दूसरे मग में पानी डालने में कितनी ड्रॉप्स लगती है। तो मैंने जल्दी से एक ड्रॉपर ले लिया और एक मग में पानी भर के इस यूजलेस एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट कर दिया। और इस ड्रॉपर में पानी भर के एक मग से दूसरे मग में एक एक बूंद करके डालता गया। शुरू में तो मेरे को ये बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था, लेकिन बार बार पानी निकाल कर एक एक बूंद डालने में मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। बट मेरे को कैसे भी करके इसका आंसर जानना है, क्योंकि खुद गूगल बाबा के पास भी इसका आंसर नहीं है। और देखते ही देखते इस मग में एक एक बूंद से आधा पानी भर गया। तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और बहुत जल्दी जल्दी करके पानी डालना स्टार्ट कर दिया और बहुत देर तक इसमें पानी भरता गया। एंड फाइनली ये कुछ आखिरी ड्रॉप्स, और ये करने में मेरे को पूरी लगी 23,405 ड्रॉप्स।